नमस्कार, मैं निकिता। खबर ईटा से है, जहां आज 26 जनवरी 2020 यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को जिले के पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान 303 राइफल को कंधे पर लिए हुए पुलिसकर्मियों ने परेड कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं आज का दिन 303 राइफल के लिए अंतिम दिन रहा। 26 जनवरी 2020 के बाद 303 राइफल का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं करेगी। दरअसल 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले की पुलिस लाइन में परेड के बाद जिले के SSP सुनील कुमार सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी जवानों ने 303 राइफल के साथ भव्य परेड की है। आज से 303 राइफल की जगह पर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस राइफल इस्तेमाल होगी। बताया कि 303 राइफल 1945 में उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली थी। उन्होंने इस राइफल की खासियत बताते हुए कहा कि यह राइफल 2 किलोमीटर तक मार्क क्षमता वाली है और इसका निशान बहुत ही अचूक है। 303 राइफल में बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन आज राइफल की अंतिम रूप से विदाई समारोह किया जा रहा है। एटा में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और इधर जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। तमाम विद्यालयों में जाकर लोगों में उत्साह से संचार किया है, उनमें नई कला विकसित करने का भी काफ़ी प्रयास किया है। यहाँ जो औद्योगिक प्रदर्शनी 1 महीने से संचालित है, उसमें भी स्कूली विद्यालयों के बहुत सारे कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय ने कराए हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल मिला है और यहाँ लोगों ने आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी देख रहे हैं कि पूरे जनपद में बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया। सारे जितने भी सरकारी बिल्डिंगें हैं उन पे जो है झंडा फहराया गया और कल जो है इस पर सब जगह लाइटिंग की गई थी। और आज पुलिस ग्राउंड में जो मेन जो कार्यक्रम था पुलिस ग्राउंड में था, पुलिस लाइन में, जिसे कप्तान साहब ने बहुत ही अच्छा परेड का मतलब आयोजन किया था। यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए थे, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम पूछा और जनपद के ढेर सारे लोग यहाँ पर आए और उन्होंने गणतंत्र दिवस का लुत्फ़ उठाया। और हम लोगों ने यह संदेश दिया कि भाई सबको यहाँ पर अगर देश में एकता और अखंडता मजबूत करनी है तो सबको साथ मिलकर रहना पड़ेगा और देश की विकास में सबकी भागीदारी है। अगर अमीर गरीब सबकी भागीदारी है तो सबको एकजुट मिलजुल करके भाईचारे के वातावरण में रहना चाहिए और तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। और हमारे जो जवान हैं, सेना के जवान हैं, चाहे पुलिस का जवान है, सब सुरक्षा में आपके लगे हुए हैं। अब पूरी तरह से हमारी जनता सुरक्षित है, जनपद विशेष करके जनपद एटा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे पुलिस कप्तान साहब की उनके नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित है। तो मैं पुनः जो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाइयां देता हूं। पूरे नौजवान साथी हैं, जितने आप थे, जितने सेना के जवान हैं, जितने हमारे सिपाही हैं और जितने यहाँ जनमानस यहाँ की है, जो बच्चे हैं यहाँ पे आए हैं, जो महिलाएँ हैं, सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गणतंत्र ऐसे ही लगातार उन्नत के शिखर पर पहुँचता रहेगा। जय हिंद। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।